अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पोनियाँ बनाना सिखाऊंगी। पोनियाँ यानी जो आप बालों में पहनते हैं और आपके बाल काफ़ी कवर रहते हैं। अगर आप स्पेशली घर में हैं तो आपको पता है कि आप हमारे बाल बिखरे रहते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको तीन तरह के बालों के लिए बताऊँगी कि आपने किस तरह से तीन बैंड्स बनाने हैं। अब वेलवेट का कपड़ा बहुत ही अच्छा है क्योंकि वेलवेट का कपड़ा ख़राब नहीं होता। अब मैं जो वेलवेट का कपड़ा है, सबसे पहला जो मैं बना रही हूँ वो मैंने बनाना है थिक बालों के लिए, ठीक है, जिनके बाल जो हैं वो थिक हैं। तो इसकी मैंने जो लेंथ ली है वो मैंने ली है तकरीबन 22, और इसकी विड्थ जो है वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बाल काफ़ी घने हैं, तो उसके लिए आपने तकरीबन 3 इंचेस की विड्थ ले लेनी है, ठीक है। लेंथ कितनी ले ली, 22, और जो विड्थ है वो तकरीबन आप 3.5 इंचेस ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब ये लंबे बालों के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। लंबे बालों के लिए हमें थोड़ा फ्लावर शेप चाहिए, तो वही सेम 22 लेंथ ले रही हूँ और जो विड्थ है तकरीबन 6 ले रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा आपका, गुलाब की तरह, जिस तरह रोज़ होता है बिल्कुल उस तरह। लेंथ आपने बिल्कुल सेम वैसी ही लेनी है, लेकिन जो विड्थ है वो हम इसकी ज़्यादा कर देंगे। तो ये तीन किस्म के बनाए जाते हैं जो कि वेस्ट के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की गर्ल्स होती हैं तो वो हाई पोनी में इसके साथ करती हैं। तो मैं इसको 6 की विड्थ और 22 इंचेस की लेंथ से ले रही हूँ। फ्रेंड्स, हम तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरे वाले मैंने बहुत पतला सा बनाना है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पसंद और बिल्कुल पतला सा आप बनाना चाहते हैं पोनी टेट की तरह, तो वो आपने तकरीबन 2 ले लेनी है, ठीक है, और सेम लेंथ ले लेनी है तकरीबन 22 जो है वो आप लेंथ ले लेंगे। अब इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप चाहे तो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ। पहले आपने लेंथ काट लेनी है, ठीक है, और लेंथ काटने के बाद आपने इनको स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के लिए ये भी होता है कि आप इसमें 2 सिलाइयाँ देते हैं, एक स्टिचिंग वाली जगह पे जहाँ से आपने इसको बंद करना है, और फिर आप तकरीबन 1 उंगली रख के उसको जो है वो झालर वाला भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे झालर वाला नहीं बना रही, मैं आपको 3 स्टाइल्स में दिखाऊंगी जिसमें एक पतला होता है और एक रोज़ की तरह होगा और एक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप इन तीनों को स्टिच कर लीजिए। इनमें लास्टिक तकरीबन मैं डालूँगी 9 इंचेस, ठीक है, और तीनों के लिए आप सेम लास्टिक डालेंगे। 9 इंचेस आप लास्टिक काट लीजिए और इनमें जो है आपने डाल लेनी है। फ्रेंड्स, लास्टिक डालने के बाद आप इसको नीडल के साथ साइडों से बंद कर देंगे, ठीक है। हल्का हल्का नीडल सेम धागे की लेनी है आपने, थ्रेड आपने बिल्कुल मैरून कलर की लेनी है और सुई से आपने इनको दोनों साइडों को बंद कर देना है। फ्रेंड्स, नीडल से आपने साइडों से इनको बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास 3 साइज के आ गए। देखें, ये काफ़ी फ्लावर की तरह है और एक छोटी है और एक उससे बड़ी है। तो इससे एक तो आपके बाल पूरे कवर हो जाते हैं, दूसरा आप हर तरह के जिस तरह का आपका ड्रेस हो आप वैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।